हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग ओहाना। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल फेटिसाइड एक्ट के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, फिर देखते हैं क्या होता है फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड एक्ट 1990 से स्टार्ट हुआ था व्हेन अल्ट्रासाउंड टेक्निक गेन वाइड स्प्रेड यूज इन इंडिया, जब अल्ट्रासाउंड की टेक्निक इंडिया में यूज की जाती थी ओके। देयर वॉज अ टेंडेंसी फॉर फैमिलीज टू कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस चिल्ड्रन अंटिल अ मेल चाइल्ड वॉज बॉर्न, मीन्स की फैमिली में ये टेंडेंसी थी कि वो कंटिन्यू चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते थे जब तक कि मेल चाइल्ड नहीं जन्म लेता था ओके। फीटेल सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन मेडिकल प्रोफेशन में कॉमन था उस टाइम पे, एंड इसका रेशियो बहुत ही ज्यादा हायर था पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में ओके। तो क्या होता है फीमेल फेटिसाइड एक्ट? फीमेल फेटिसाइड एक्ट मेनली होता था कि फीमेल जो भी फीटस है उसे प्रिवेंट करना, मींस कि सेक्स डिटरमाइन करके हम अगर फीटस को एलिमिनेट करा देते थे, अगर वो फीमेल चाइल्ड होती थी तो उसे एलिमिनेट करा देते थे, अबॉर्ट करा देते थे मेडिकल प्रोफेशन के थ्रू। तो इस चीज के लिए फीमेल फेटिसाइड एक्ट को लाया गया कि जिसके थ्रू जो फीमेल चाइल्ड्स हैं वो बच सके एंड उनका भी जन्म हो सके ओके। फिर है डिफिनेशन, सेक्स सिलेक्शन इज एनी एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई द सेक्स, मींस कि फीटस का जो सेक्स होता था उसको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर दिया जाता था फीटस को अगर वो फीमेल फेटिसाइड होती थी। इट इज डिफाइंड एज अबॉर्टिंग अ फीमेल फीटस आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, मीन्स कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराते थे एंड अगर वो फीमेल फीटस है तो उसको अबॉर्ट करा देना ही फीमेल फेटिसाइड एक्ट में आता था ओके ओके। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पर्पस। इसका पर्पस मेन ये था कि जो एक्ट है उसे एक्ट को इसलिए लाया गया था कि जो यूज हो रहा है सेक्स सिलेक्शन टेक्निक बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन इसको बैन किया जाए एंड प्रिवेंट किया जाए मिस यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को ओके। सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जो हो रहा था कि सेक्स सेलेक्ट करके अबॉर्ट कर देते थे बेबी को, इस चीज को बैन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कॉजेस। कॉजेस में मेन्स ये था कि गर्ल्स अगर बॉर्न होंगी तो वो फाइनेंशियली ऑब्लिगेशंस मानी जाती थी पेरेंट्स के थ्रू एंड पुअर क्लास मिडिल फैमिलीज में ये डावरी का फियर रहता था एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू आज पेरेंट्स जो होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं बिफोर चाइल्ड बर्थ ओके। चाइल्ड बर्थ के पहले सेक्स डिटरमाइन करते हैं। सम ऑफ द डॉक्टर्स डू द हेनेसियस एक्ट टू द फुलफिल देयर मनी डिजायर ओके। साइलेंट फीचर ऑफ एक्ट, कुछ साइलेंट फीचर्स हैं एक्ट के, जैसे कि एक्ट प्रोवाइड किया गया था प्रोविजन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर एंड आफ्टर कंसेप्शन। ये जो एक्ट है मतलब इसलिए चलाया गया था कि सेक्स सिलेक्शन जो है वो बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन नहीं होना चाहिए एंड रेगुलेट द यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, मीन्स कि जो भी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है उनको रेगुलेट करने के लिए लाइक अल्ट्रासाउंड एमनियोसिंथेसिस अलाउ की गई थी, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जैसे एबनॉर्मलिटीज एंड डिसऑर्डर को टेस्ट करने के लिए, सेक्स लिंक डिसऑर्डर, हीमोग्लोबिनोपैथीज जैसे चीज़ों के लिए। नो लेबोरेटरी और सेंट्रल क्लिनिक एंड कंडक्ट एनी टेस्ट इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द फीटस, मीन्स कि किसी भी क्लिनिक और सेंट्रल लेबोरेटरी पे अल्ट्रासोनोग्राफी सेक्स डिटर्मिनेशन के पर्पस से यूज नहीं किया जाना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।